उत्कासिम के शेरपुर में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर परिसर में गुरुवार को राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्लॉक इकाई की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान ब्राह्मण महासभा के करीब 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान समाज से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी के साथ ही कोटकासिम के चांचियावास के रहने वाले राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्लॉक इकाई कोटकासिम के पूर्व अध्यक्ष कपूर चंद्र वशिष्ठ को राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनका साफा और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही उनको शुभकामनाएं भी दी गई। इससे पूर्व अध्यक्ष के द्वारा समाज के सामने पहले का लेखा जोखा भी रखा गया। इस दौरान बूढ़ी बावल के विवेकानंद स्कूल के छात्र छात्राओं ने शेरपुर मंदिर में हाल ही में स्थापित की गई भगवान राम लला की प्रतिमा के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इसी दौरान मंदिर के महंत अशोक कौशिक ने सभी बच्चों को सनातन धर्म पर व्याख्यान दिया। इस दौरान महंत अशोक कुमार कौशिक, राजस्थान ब्राह्मण के मनोनीत अध्यक्ष यशपाल शर्मा, मुख्य उपाध्यक्ष रामकिशन शर्मा, कोष अध्यक्ष दीनाराम शर्मा, लक्ष्मी नारायण, संगठन मंत्री नरेश मुदगल, सत्येंद्र शर्मा, जेतराम शर्मा, चेतराम शर्मा, सुरेश अध्यापक, संजय शर्मा, हरिदत्त, राजपाल शर्मा सहित अन्य विप्र समाज के लोग मौजूद रहे।